दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड है हीरो सुपर स्प्लेंडर वर्टिकल इंजन 2019 मॉडल, और यहाँ पे जिसे हम BS4 मॉडल भी कहेंगे। और यहाँ पे राइट साइड हमारे पास है न्यू 2020 यानी 2020 मॉडल हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6। और दोनों में आप देख पा रहे होंगे कि तस्वीर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत परिवर्तित हो चुकी है। 2020 में ना एकदम नए अवतार के साथ उतारा गया है हीरो सुपर स्प्लेंडर को। तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आपसे कि आप लुक वाइज ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है जो नई वाली है हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 ये ज़्यादा बेहतर लग रही है या फिर पुरानी वाली। क्योंकि अगर मैं लुक वाइज बात करूँ ना, तो मुझे कुछ पैशन प्रो से इसका जो लुक है नई वाली का थोड़ा सा मैच करता है, TVS की जो रेडॉन है उससे भी थोड़ा मैच करता है। देखिए ऐसा है ना कि उन्होंने कोशिश करी है हीरो कंपनी ने एकदम नए लुक देने की, बट मुझे पता है कि बहुत से भाई लोग हैं जिन्हें ये लुक बहुत पसंद आएगा, लेकिन बहुत से भाई लोग हैं जिन्हें नहीं पसंद आएगा। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपको डिटेल कंपेरिजन दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पुरानी वाली मॉडल से नई वाली मॉडल में। तो चलिए बिना किसी देरी वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है GRD और आप देख रहे हैं राइट टू नो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पहले डिफरेंस की, तो वो इनके लुक को लेके ही है। जैसे मैंने बोला आपको कमेंट में बताइएगा, हमें उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सेकंड चेंज की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड थी, वो थी कि इसमें डिस्क क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि सुपर स्प्लेंडर बहुत ही सक्सेसफुल बाइक है हीरो कंपनी की। तो यहाँ पर आपको डिस्क मिल चुका है, मतलब आप नई वाली मॉडल में डिस्क का ऑप्शन भी आपके पास है। सिर्फ 2 से 2500 रुपये आपको ड्रम वाले मॉडल से ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आप डिस्क ऑप्शन ले सकते हैं। तो आप पता करते रहिएगा अपने नियरेस्ट एजेंसी में, आपको जो है डिस्क और ड्रम दोनों मॉडल देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले चेंज की, तो वो है मीटर कंसोल को लेके। आप स्क्रीन पे खुद देखिए कि दोनों का मीटर कंसोल लगभग सेम है, लेकिन जो लुक वाइज है थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है यहाँ पे। और बात करूँ अगर कुछ नई चीज़ों की, तो इंजन मॉल फंक्शन लाइट ऐड की गई है यहाँ पे BS6 मॉडल यानी कि 2020 मॉडल हीरो सुपर स्प्लेंडर में। लेकिन भाई एक चीज़ मुझे बताओ यार हीरो वालों की, आपकी एक जो बाइक है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लोग बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी तक आपने कोई छोटा सा यार डिजिटल कंसोल दे दिया होता तो काफ़ी खुशी हो जाती। आपने तीन तीन कंसोल दिया है, तीनों एनालॉग है, लेकिन डिजिटल जैसा कुछ सेटअप है ही नहीं है। एक डिजिटल जैसा सेटअप दे देते, उसमें एक या दो तो ट्रिप मीटर दे देते, तो थोड़ी सी दिल को तसल्ली हो जाती। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्यों, लेकिन वी कैन होप, हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी फेवरेट हीरो सुपर स्प्लेंडर के अगले अपडेट में हमें मीटर कंसोल में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट में अपनी राय देते रहिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अगले चेंज की, तो वो है FI यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और लगभग सारी बाइक्स में FI ऐड किया जा रहा है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको BS6 मॉडल हीरो सुपर स्प्लेंडर में भी FI मिल जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग आपके फ्यूल को सप्लाई किया जाएगा इंजन में, मतलब आपके इंजन को जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही आपके इंजन को दिया जाएगा। और BS4 मॉडल आप देखिए यहाँ पे आपको कार्बोरेटर मिलता था, लेकिन अब वो हट के यहाँ पे अब आपको कार्बोरेटर हटा के आपको पूरा FI सिस्टम दे दिया गया है। तो इससे माइलेज पर फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं एग्जांपल के तौर पे कि अगर पुरानी वाली मॉडल अगर आपकी 55 की माइलेज देती थी हीरो सुपर स्प्लेंडर, तो अब मान के चलिए कि 58 से 60 का माइलेज आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। बात अगर अगले चेंज की करें, तो वो बहुत बड़ा मुझे लगता है, बहुत खास लगता है, वो ये है कि अब सारी बाइकों के कंपटीशन को देखते हुए हीरो वालों ने इस चीज को डिसाइड किया है कि अब आपके नई सुपर स्प्लेंडर में 5 गियर देखने को मिलेंगे। पहले वाले BS4 में आपको 4 गियर मिलते थे, अब BS6 वाली में आपको 5 गियर मिलेंगे। तो इसका परिणाम ये होगा कि 5वें गियर पे अगर आप अपनी बाइक को चलाते हैं, तो जब हाईवे पे स्मूथनेस मिलती है ना, वो पहले वाले से तो थोड़ा बेहतर ही मिलेगी। ये चीज़ पूरी तरह से कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ पे अगले चेंज की कर लें, तो इनके एग्जॉस्ट यानी साइलेंसर को लेके है। गौर से देखिए कि यहाँ पे नई वाली सुपर स्प्लेंडर में आपको काफ़ी मोटा तगड़ा साइलेंसर प्रोवाइड किया गया है, और पुरानी वाली की अपेक्षा यानी BS4 की अपेक्षा काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और इसी के साथ एग्जॉस्ट में एक नया अपडेट ये भी है कि इसमें आपको कैटलिटिक कन्वर्टर ऐड किया गया है, जो कि कंपलसरी सारी बाइक्स में ऐड किया गया है। और इससे होता क्या है कि जो NOx गैस होती है पेट्रोल जलने के बाद जो निकलती है, कैटलिटिक कन्वर्टर एक फिल्टर का काम करता है और कोशिश करके काफ़ी कम उत्सर्जन होता है। तो एक तरीके से पोल्यूशन फ्री करने की कोशिश करी गई। पोल्यूशन तो होगा ही नो डाउट, क्योंकि पेट्रोल जल रहा है, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम पोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट में ये भी बताते चलिएगा कि आपको जितने भी मैं चेंजेस बता रहा हूं वो कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलिएगा।
यहाँ पे हम अगले परिवर्तन अगले चेंज की बात करें तो इनके प्राइस को लेके जो कि बहुत मायने रखता है। पहले वाली सुपर स्प्लेंडर से अब नई वाली सुपर स्प्लेंडर का प्राइस चेंज हो चुका है। मैं आपको प्राइस फटाक से बता दूं, अगर आप इसका सिंगल डिस्क मॉडल लेते हैं तो आपको 67,300 रुपीस पड़ेगा। एक्स शोरूम प्रयागराज यूपी इलाहाबाद में, आपके नियरेस्ट एजेंसी में भी लगभग इसी के आसपास प्राइस पड़ जाएगा। अगर आप इसका डिस्क मॉडल लेते हैं तो 70,800 लगभग 70,800 रुपए पड़ेगा। और इसमें आप 15,000 से 20,000 और भी ऐड कर दीजिएगा जिसमें आपको इंश्योरेंस होगा, 4+1 वाला इंश्योरेंस होता है और RTO टैक्स होता है, फिर से एसेसरीज का प्राइस जो लगता है वो वगैरह, सारी चीज़ ऐड करने के बाद 15-20,000 रुपए और आप ऐड कर देंगे तो आपको कंप्लीट बाइक का प्राइस समझ में आ जाएगा। तो आप अपना एक बजट सेट कर लीजिएगा। तो ये जितने भी डिफरेंस हुए हैं नई वाली सुपर स्प्लेंडर BS6 में, वो मैंने पुरानी वाली से आपको दिखा दी है, आपने खुद देखा होगा। अब कमेंट में हमें अपने राय जरूर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और नई वाली बाइक कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। तो जब भी राइड करिए सेफली राइड करिए, हेलमेट का इस्तेमाल करिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।